भारत के अधिकांश ईसाई नए नागरिकता कानून अर्थात CAA का विरोध कर रहे हैं। चाहे वे मीडिया में हों, प्रोफेसर हों, राजनेता हों या किसी अन्य पेशे में। जबकि CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे ईसाइयों को भी भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, तो फिर ईसाई इस कानून के विरोध में क्यों हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो ईसाई हैं, वे भी इस्लाम द्वारा उतने ही पीड़ित हैं जितने हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध। फिर भी कभी हिंदुओं और ईसाइयों का चुनावी गठजोड़ नहीं होता, यहाँ तक कि केरल में भी नहीं, जहाँ दोनों ही समुदाय मजहबी बर्बरता का शिकार हैं। भारतीय ईसाइयों के इस विचित्र व्यवहार के दो बड़े कारण हैं। इन्हें पूरी तरह समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। पहली बात तो ये कि सारे अब्राहमिक मजहब वास्तव में राजनीतिक संस्थाओं की तरह हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता, शक्ति और धन पाना है। उनके लिए मनुष्य उन भेड़ों की तरह होते हैं जिनकी बलि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए दी जा सकती है। दूसरी बात ये कि इस्लाम की तरह ईसाई मजहब के बड़े नेता जानते हैं कि नागरिकता कानून का क्या प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ सकता है। वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों और 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की बहुत बात होती है, लेकिन ये भारत के सबसे बड़े दंगे नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में इससे भी बड़े कई दंगे हो चुके हैं, फिर भी भारत का हर मजहबी व्यक्ति गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगों को याद करता है, क्योंकि इन दोनों ही दंगों में कुछ ऐसा हुआ था जो स्वतंत्रता के बाद से कभी नहीं हुआ। पहली बार हिंदुओं पर हमला हुआ तो उन्होंने अन्य स्थानों पर भी इसका बदला लिया। इससे पहले के सारे दंगों में उसी स्थान पर प्रतिरोध होता था जहां पर हमला होता था। एक समुदाय के रूप में हिंदुओं के व्यवहार में ये बहुत बड़ा बदलाव आया था। ऐसा नहीं है कि ये समस्या हमेशा से रही हो। जब नोआखाली और बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो बिहार में हिंदुओं ने उसका बदला लिया। जब उत्तर में हिंदुओं पर आक्रमण हुए तो दक्कन में हिंदुओं ने हिसाब चुकता किया, लेकिन गांधीवादी घुट्टी ने पूरे हिंदू समाज में प्रतिरोध के उस स्वाभाविक अधिकार को ही छीन लिया। किसी भी बाहरी आक्रमण पर मनुष्य की उग्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। मनुष्य ही नहीं, हर जीवित प्राणी ऐसा करता है। अब्राहमिक मजहब भी इस बात को समझते हैं कि वे जब हिंदुओं को निशाना बनाएंगे तो प्रतिक्रिया होगी, किंतु उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि गोधरा में ट्रेन जलाने पर गुजरात के अन्य जिलों में रहने वाले हिंदू भी बदला ले सकते हैं। एक समुदाय के रूप में हिंदुओं के बीच ये भातृभाव दोनों ही मजहबी गिरोहों के लिए खतरे की घंटी है। CAA से ये रेखांकित हो गया कि हिंदुओं ने तय कर लिया है कि कोई हिंदू अकेला नहीं है। कर्नाटक या केरल में किसी हिंदू पर हमला होगा तो यूपी और मध्य प्रदेश में बैठा हिंदू भी बदला ले सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू की भी हमें चिंता है। नेपाल का हिंदू भी हमारा है। बाली, म्यांमार, फिजी, ट्रिनिदाद और मॉरिशस का हिंदू भी हमारा है। सामूहिकता की शक्ति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी इस पर अमल करते हैं वे अजेय हो जाते हैं। इसी बात से चादर वाले भी डरते हैं और फादर वाले भी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।